जो काम 35 साल में नहीं हुआ आज क्या हो जाएंगे काम। इलेक्शन कैसा इलेक्शन? यहाँ नहीं होता इलेक्शन वेलेक्शन। कौन जाएगा वोट डालने के लिए? हमें किसी पर भरोसा नहीं है। सच है, जम्मू कश्मीर के अशांत माहौल में पंचायती चुनावों के बारे में सोचना भी कठिन था। जहां तहां घट रही आतंकवादी घटनाओं से लोगों का मनोबल टूट गया था, असुरक्षा की भावना गहरी बैठ गई थी। विकास कार्यों में आम जनता की भागीदारी न होने से ग्रामीण इलाके बेहद पिछड़ गए थे। बुनियादी सुविधाओं की कमी ने जीवन को मुश्किल बना दिया था। सामाजिक आर्थिक कमजोरी से जनता में भारी रोष था। विकास के लाभों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए एक चाक चौबंद पंचायती राज व्यवस्था जरूरी थी। इसलिए मुश्किल हालात के बावजूद राज्य सरकार ने सन 2011 में हल्का पंचायतों का चुनाव कराने का बड़ा फैसला लिया। सरकार को भरोसा था कि सन 2008 के विधानसभा चुनावों की तरह इस बार भी जनता लोकशाही पर अपनी पक्की और मजबूत मोहर लगाएगी। सबसे बड़ी चैलेंज उस समय ये थी कि एक तो लॉ ऑर्डर के लिए करते हुए पूरे लॉजिस्टिक्स को तैयार करना, और दूसरा एक ऐसा शेड्यूल बनाना, क्योंकि विंडो हमारे पास लिमिटेड थी, क्योंकि फरवरी में फैसला हुआ था। और कोशिश ये भी थी कि जो टूरिस्ट सीजन मई जून में शुरू होता है उससे पहले इस प्रोसेस को पूरा मुकम्मल कर लिया जाए। इलेक्शन खुद में करवाना एक बहुत बड़ा एक टास्क रहता है कि काफ़ी सारे इंतज़ाम करने पड़ते हैं, एक वेल कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज करनी पड़ती है। और दूसरा, इलेक्शन अगर ऐसे माहौल में करवाना हो कि जहाँ पे इलेक्शन के प्रोसेस पे एक सवालिया निशान खड़ा रहता हो, तो एक डबल चैलेंज हो जाता है। तो उस समय हमारे लिए ये दोनों चैलेंजेस। चुनाव संपन्न कराने के लिए समय कम था और काम का दायरा बेहद बड़ा तथा व्यापक। इस दौरान राज्य के 143 ब्लॉकों में 4130 सरपंच और 29719 पंचों का चुनाव करवाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। राज्य के लगभग 51 लाख मतदाताओं के लिए 29,000 मतदान केंद्र बनाने थे और इसके लिए भारी तादाद में सुरक्षा बलों, चुनाव कर्मियों और चौकस परिवहन व्यवस्था की जरूरत थी। चुनौती ये भी थी कि चुनाव निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो। चुनाव की पूरी प्रक्रिया को 17 चरणों में संपन्न कराने का कार्यक्रम बनाया गया। रणनीति में यह ध्यान रखा गया कि सामान्य तापमान वाले और अपेक्षाकृत शांत क्षेत्रों में पहले चुनाव करवाया जाए। लेह जैसे बहुत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अंतिम चरण में चुनाव कराने की योजना बनी, जिससे वहां चुनाव के समय अनुकूल तापमान हो जाए। चुनाव के दौरान शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य की पुलिस और अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया। हिंदी और उर्दू में द्विभाषी रूप से और लेह के लिए अंग्रेजी को शामिल करके 3 भाषाओं में मतदाता सूचियां तैयार की गईं और इनका कंप्यूटरीकरण भी किया गया। पंचायती चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग नहीं किया जा सकता था, इसलिए भारी तादाद में मतदान पेटियों की जरूरत थी। अन्य राज्यों से भी मतदान पेटियां मंगवाई गईं। बैलेट पेपर की छपाई एक कठिन और अधिक समय लगने वाला काम था। विशेषज्ञों की सहायता से एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया, जिससे जिला स्तर पर ही बैलेट पेपर की छपाई संभव हो सकी। चुनाव अधिकारियों की तैनाती के लिए भी कंप्यूटर प्रणाली की सहायता ली गई। दूरदर्शन पर प्रभावी संदेश देने वाले कार्यक्रमों के जरिए लोगों को उनके वोट का महत्व समझाया गया। रेडियो पर जिंगल तथा अन्य संदेशों के अलावा मतदान संबंधी जानकारी के लिए फोन इन कार्यक्रम प्रसारित किए गए। तो इस तरह मतदाताओं को वोट डालने के लिए उत्साहित व प्रेरित किया गया। इस काम में चुनाव में खड़े उम्मीदवारों ने भी एक अहम भूमिका अदा की। उन्होंने घर घर जाकर मतदाताओं को वोट डालने के लिए समझाया और उन्हें प्रेरित किया। आतंक के साए में जिंदगी गुजार रहे लोगों को ये समझाया गया कि हमारे सुरक्षा बल उनकी जान माल की रक्षा के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं।
एक ओर सरकार की ओर से भरोसा दिलाने की कवायद जारी थी तो दूसरी ओर दहशतगर्द बार बार लोगों को चुनाव से दूर रहने की चेतावनी और धमकी दे रहे थे। उन्होंने कुछ जगहों पर उम्मीदवारों पर जानलेवा हमले भी किए, लेकिन उम्मीदवारों और मतदाताओं ने इन खतरों का बखूबी सामना किया। हमने हिम्मत की, एक तरफ से गोली चल रही थी, दूसरी तरफ से हमने इलेक्शन लड़ा, जबकि हमको भी इस पर खतरा था अपनी अपनी जान पर। हम ये सोच रहे थे कि हमें शायद कैंडिडेट नहीं मिलेगा किसी वार्ड में उठने के लिए, लेकिन एक एक वार्ड में दो दो चार चार कैंडिडेट खड़ा हुए, क्योंकि ये जो बारामूला का एरिया है यहाँ पे ऑलरेडी मिलिटेंट्स का जो बहुत डर है, बहुत खौफ था उन दिनों ज़्यादातर, और लेकिन लोग भी कुछ बदलाव चाहते थे। चुनाव के पहले चरण से लेकर अंतिम चरण तक सभी मतदान निष्पक्षता के साथ संपन्न हुए। मतदाताओं ने बिना किसी भय के अपना वोट डाला, यहां तक कि महिलाओं ने भी अपनी परंपरागत झिझक और संकोच को छोड़कर बड़ी संख्या में भागीदारी की। इलेक्शन कैसे पता आई तमाम कॉन्ट्रेक्टर आए ऑर्डर दुक ना तुम करो तो यह सही तम मूजूब पे कारण तो द्राय पाए वोट त्रावि नमीद इलेक्शन गए कारण ना। नतीजा ये हुआ कि लगभग 78% रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया। लोगों ने सरकार की प्रशासनिक क्षमताओं पर भरोसा जताकर लोकशाही के हक में अपनी मुहर लगा दी। राज्य में इन पंचायत चुनावों को कामयाब बनाने में प्रशासनिक मशीनरी और सुरक्षा बलों की हर ओर से सराहना व प्रशंसा की गई। मुलाजिम तबका है, अफसर लोग है, इन्होंने मेहनत किया, साफ सुथरा इलेक्शन किया, पेपर बैलेट पेपर टाइम पर पहुंचा, सारा इंतज़ाम स्कूटी का इंतज़ाम बहुत अच्छा रहा, कि अफसरों को ये क्रेडिट मिलना चाहिए कि उन्होंने बहुत मेहनत किया। चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता से मतदाता और चुने गए सरपंच व पंच संतुष्ट थे। इलेक्शन गई ना धांधली वांधली क्या असल पा ठीक पा तो त्रोह वोट। जम्मू कश्मीर की आम जनता में लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा बनना एक बड़ी उपलब्धि है। इसने भविष्य में होने वाले चुनावों की कामयाबी का मार्ग भी प्रशस्त किया है। प्रशासनिक कामयाबी की ये असाधारण गाथा राष्ट्रीय स्तर पर सराहना व प्रशंसा की हकदार बनी। बीआर शर्मा और उनकी टीम को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए वर्ष 2010-2011 के प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कहते हैं कि जहां चाह वहां राह, ये सफलता गाथा देश भर में कामयाबी से पंचायती चुनाव कराने के लिए एक मिसाल बन गई है। जम्मू कश्मीर के लोगों की प्रसन्नता में स्वराज का सूरज दमकता दिखाई दे रहा है।